बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.10, जो कुछ इस तरह से है। कहते हैं, सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ आर से आर एन एंड सम पावर ऑफ वी से वी एन। डिटर्मन द पावर्स ऑफ आर एंड वी। तो ये क्वेश्चन है जी, इसको आप देख ले, आंसर्स आप जहन में रख ले, -1 -2, इसको हम डिराइव करते हैं। हमें ये कहा गया है कि भाई एक न्यूमेरिकल नंबर 1.10 इसका सॉल्यूशन, हमें ये कहा गया है कि एक सर्कल है, उसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सर्कल का रेडियस है आर, उस ऑब्जेक्ट और इसके उसमें जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी है वी। वो जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो एक्सेलरेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर वन रेडियस पे और नंबर टू वेलोसिटी। अच्छा, अब रेडियस की कितनी पावर पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल आर एन और वी एम। ठीक हो गया जी, ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए, इसको हम कहेंगे इक्वेशन वन, इसको कहेंगे इक्वेशन टू। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। सो ए यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन वी एम, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम इसमें से जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होगा तो इसकी जगह लगेगा इक्वल और एक कांस्टेंट आएगा और साथ आएगा आर एन वी एम। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर वन, ये रोमन वाले वन थे, ये मेन इक्वेशन ये है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम डायमेंशंस की शक्ल में लिखेंगे, तो राइटिंग दिस इक्वेशन डायमेंशनली, डायमेंशन ऑफ ए कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा फिलहाल, डायमेंशन ऑफ रेडियस पावर ऊपर चली जाएगी, डायमेंशन ऑफ स्पीड पावर ऊपर चली जाएगी। अच्छा, अब सबके डायमेंशन लिखते हैं। ए का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू, कांस्टेंट एज इट इज़, क्योंकि पता नहीं है ना हमें कि कांस्टेंट क्या है, इसलिए हम उसके लिए ना कोई यूनिट लिखेंगे ना ही डायमेंशन। रेडियस की जगह एल, डायमेंशन कितनी है एन, स्पीड की जगह एल टी माइनस वन और पावर कितनी है एम। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, कांस्टेंट एल की पावर होगी एन, यहाँ एल की पावर होगी एम और टी पावर माइनस एम, ये इसको भी दे दी पावर, इसको भी दे दी। आगे चलते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है एल टी माइनस टू कांस्टेंट, राइट हैंड साइड पे वो जो लेंथ और टाइम थी उसकी डायमेंशन उसके उसको जब प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी एल पावर एन प्लस एम और टी की पावर है माइनस एम। अब इट्स टाइम टू कंपेयर द पावर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इस तरफ लेंथ की पावर है, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। सबसे पहले देखेंगे एक एक फैक्टर किसमें है, इसमें एक है, इसमें दो हैं, इसमें एक है, इसमें एक है, तो सबसे पहले हम पावर कंपेयर करेंगे टाइम की, तो टाइम की इस तरफ जो पावर है वो है माइनस टू और इस तरफ है माइनस एम, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी बनेगी टू, एक वैल्यू तो निकल आएगी। अच्छा, अब हम लेंथ की पावर को कंपेयर करेंगे दोनों साइड से, इधर से पावर आएगी वन और इस तरफ से एन प्लस एम, तो यहाँ से हमें तो एन चाहिए, एम उधर जाकर वन से माइनस हो जाएगा, वन माइनस एम की जगह टू रखेंगे तो आंसर आएगा माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन और एम की वैल्यू कितनी आ गई प्लस टू, यही हमारे आंसर थे, दैट्स इट।